नोट कर लेना, 10 साल बाद अपना इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर सबको पीछे छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा। अपना इंदौर प्रदेश के विकास का इंजन बनेगा। अपना इंदौर देश की ग्रोथ रेट बढ़ाने में एक नया विकास स्थापित करेगा। ये इंदौर के नई उड़ान भरने लगी है। ये स्वर्ण काल है विकास का। और इसलिए आप एक तरह से देख रहे हैं, एक तरह के नई योजनाएं चली आ रही है। ये फ्लाई ओवर 57 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ। 2 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो रोज जूझते थे काफी की समस्या से। और एमआई ट्रेन से सुपर कारीगर एयरपोर्ट जाने वाले, इंदौर से उज्जैन जाने वाले राहगीर इससे लाभान्वित होंगे। और ग्रिड पीएचसी का जो तकनीक पर बनेगा जिसमें डायनेमिक लाइटिंग शहर की सुंदरता को चार चांद लगाएगी। लेकिन केवल ये नहीं, नीचे से तो ये फ्लाई ओवर बनेगा। आज ही इंदौर की आवश्यकता और जनता की मांग को देखते हुए हम फैसला करते हैं कि आईडीए के सुपर कारीगर और एमआर स्कीम में जो विकसित होने वाला ये ओवरब्रिज के साथ बाणगंगा क्षेत्र से लंकुश चौराहा होते हुए अरविंदो कॉलेज के आगे तक एक और फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। अगर फ्लाई ओवर इंदौर में कैसे बनेंगे, एक जाएगा प्लस डिजाइन पे और दूसरा उसको ऊपर से निकाल करिए सड़क के ऊपर फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर के बाद फ्लाई ओवर इंदौर को फ्लाई करेगा लगातार।